press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज मनीषा चैनल पर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और लगातार आपसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करती रहती हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कोशिश कीजिए क्या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने शेयर की है वो और लोगों तक पहुँचे। आप इस बारे में क्या कहते हैं, किन टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आज बात करूँगी कि कौन सी 5 चीज़ें वास्तु के हिसाब से आपके पर्सनल बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। जब मैं इस वीडियो की बात कर रही हूँ तो मेजरली मैं कपल्स के बेडरूम की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए भी ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, बच्चों के लिए भी ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली एक अलग वीडियो करूँगी। तो अगर आप मैरिड हैं, आप एक कपल हैं, तो आपके बेडरूम में कौन सी 5 चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उस बारे में ही आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर 5 चीज़ों के बारे में बताना हो मुझे तो फटाफट कोई मुझसे सवाल करे कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, तो वो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले मिरर, आईना जो है वो आपके कमरे में नहीं होना चाहिए। दूसरा, सूखे पत्ते, सूखे प्लांट्स, ड्राइड प्लांट्स जो हैं या ड्राइड फ्लावर्स जो हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं, वो आपके कमरे में नहीं होने चाहिए। तीसरा, भगवान की कोई भी मूर्ति, बताऊंगी एक ध्यान से सुनते रहिएगा कि कौन सी अलाउड है, बट मंदिर कभी भी अपने पर्सनल बेडरूम में ना बनाएं। आप मैरिड कपल हैं तो बच्चों के कमरे में फिर भी कहीं ना कहीं अलाउड होता है, स्पेशली अगर बच्चे टीनेज उम्र में हो, लेकिन अदरवाइज इन चीज़ों की मनाही है। चौथी चीज़ जो आपके रूम में नहीं होनी चाहिए, और मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे नाराज भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और चार्जर्स इन सब के। और पांचवी चीज़, कोई भी फाउंटेन या वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई चीज़ या फिर कहीं ना कहीं जो एक्वेरियम्स हैं, फिश एक्वेरियम्स हैं, ये आपके कमरे में नहीं होने चाहिए। अब एक एक करके विस्तार से समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्यों मैंने पर्सनली नहीं मना किया, लेकिन बिकॉज आई फॉलो वास्तु और वास्तु की इतनी चीज़ों का ज्ञान के बाद ही मैंने आपसे ये स्पेशली 5 चीज़ों का जिक्र करना शुरू किया है जो आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। अब एक एक करके समझते हैं। मिरर जो है वो मल्टीप्लिसिटी का काम करता है, तो हम जो है वो अपने आप को देखने के लिए हम मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिरर जो है वो कभी भी आपको जो है वो बेडरूम में इस तरीके से, मैं बिल्कुल आज के मॉडर्न आधुनिक समय में आईना ना रखे, ड्रेसिंग टेबल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर फिर भी जो पहले का कॉन्सेप्ट था, तो तब वास्तु कंसल्टेंट्स कहते थे कि आप जो है अगर अपने कमरे में मिरर रखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, उसे ढक दीजिए। तो लोग उसके ऊपर चादर लगा देते थे, कोई ना कोई शीट जो है वो लगा देते थे, उसको किसी तरीके से कवर कर देते थे। लेकिन अब अगर हम आधुनिक टाइम की बात करें तो ये सब चीज़ें अगर हम करें तो अच्छी नहीं लगती। कोई हमारे रूम में विजिट करे तो एक अलग सा ऑरा नज़र आता है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले कि मिरर क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बोला मिरर मल्टीप्लिसिटी का काम करता है। नुकसान सबसे ज़्यादा कब देता है, जब एग्जैक्टली जब आपका बेड जो है वो आपके आईने में नजर आए, उसका कोई भी रिफ्लेक्शन अगर आपके बेड का जो है वो मिरर में पड़ रहा हो तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि करेगा ही करेगा। देखिए, ज़्यादातर इन प्रॉब्लम्स को हमें असर कब नज़र आता है, जब हमारी एस्ट्रोलॉजिकली दशा भी बहुत अच्छी सी ना चल रही हो। कहीं ना कहीं आजकल सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस रहता है, तो जब स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारा, ऑफकोर्स उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी दशाओं का ही होता है, बिकॉज मेजरली मोटा मोटा तो अगर स्ट्रेस हो भी, हमारे प्लैनेट्स मजबूत हैं, दशा अच्छी चल रही है, तो हम इस स्ट्रेस को मैनेज भी कर लेते हैं। बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हों और वास्तु दोष भी हमारे घर में हो, तो ये चीज़ों को बढ़ा देते हैं, फिर ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो इसलिए इन दोषों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि मिरर रख लीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत बड़े, आपके रूम के हिसाब से बहुत बड़े बड़े फुल साइज मिरर्स मत रखिए, लेकिन अगर ड्रेसिंग में आपने हाफ अ मिरर रखा है तो उसका कोई कहीं भी वो किसी भी कोने से उस पर बेड नहीं नज़र आना चाहिए। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, दो तरीके जो है वो कहीं जगह यूजुअली वास्तु की किताबों में मेंशन हैं, कि पहली चीज़ कि जो भी बॉडी पार्ट उस आईने में नज़र आएगा वहाँ कोई ना कोई तकलीफ जो है वो पैदा होगी। अब बॉडी पार्ट में
जरूरी नहीं कि बॉडी फिजिकल प्रॉब्लम्स ही नजर आए, बट जैसे कि अगर पैर जो है वो नजर आते हैं, तो पैर जो है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को डिनोट करते हैं, कहीं हमारा आना जाना जो है वो डिनोट करते हैं। तो अगर आईने में सोते हुए, यानी कि आईने में अगर आप कभी भी देखें कि अगर आप लेटे हुए हैं और आपके पाँव जो हैं वो नजर आ रहे हैं किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज में कमी आ जाती है, हमारा मूवमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है। हम घर में ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं, बाहर हम जा ही नहीं पाते, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि हम बाहर ही रहते हैं घर पे, तो हमें रुकने का ही टाइम नहीं मिलता। सो इसीलिए दिस इज पॉइंट वन कि मिरर्स जो है उनकी मनाही है। अगर रखने की ऑप्शन हो तो कौन सी वॉल पे लगाया जा सकता है? आईना जो है वो नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर ही लगाना चाहिए, उसके अलावा कहीं और बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्टली अपने बेड के सामने किसी भी पोजिशन में ये आईना नहीं लगाना। दूसरी चीज की बात करें, जो मैंने कहा था कि आई नो बहुत लोग मुझसे नाराज होंगे कि ये क्यों ये बात कही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमें अपनी बेड साइड पे नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, राहु इन्हें रूल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हम अपने बिल्कुल साथ अगर रख के सोएं तो नींद का जो घर है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम उस 12वें घर के राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो हो क्या रहा है, उससे क्या होगा कि हमेशा बेचैनी जो है वो रहेगी। हमने प्रैक्टिकली जब, जैसे मैं कहती हूँ कि जब चंद्रमा जब 12th हाउस में आता है तो इंसान सो नींद में भी जो है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा रहता है। इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करने के लिए, राहु वैसे भी बेडरूम एरिया में जो है वो नहीं होना चाहिए। अब अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से बात करें इस बारे में, तो प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, अगर हम साइंस की को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब हम चार्जर लगा के अपने साथ में जो है वो सो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फ़ोन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जो रेज जो है वो निकल रही होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अफेक्ट करती हैं। अब आप कहेंगे कि सारा दिन हम फ़ोन अपने साथ लेके घूम रहे हैं तो क्या सोते हुए ही हमें अफेक्ट करेंगी? तो दिस इज़ अ फैक्ट, दिस देयर इज़ अ रिसर्च ऑन इट, क्योंकि हम सारा दिन एक एक्टिव मोड में होते हैं। रूम में तो हम रेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो तब हमें चीज़ों की हेवीनेस जो है वो ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा जो है हम पर चीज़ें असर करती हैं, क्योंकि सारे दिन में तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं है, हम फिजिकली एग्जर्ट भी कर रहे हैं, अपने ऑफिस में जाने के लिए हम कितनी सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ के गए हैं, यहाँ उठे यहाँ गए, तो हम मूवमेंट में हैं। लेकिन यहाँ हम 6 घंटे की 7 घंटे की नींद हम एक ही रूम में, एक ही, कई मोस्ट लाइकली लोग जो है वो एक ही पॉस्चर में जो है वो काफ़ी घंटे जो है वो सोते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल भी होता है, तो इसलिए कोशिश करें। और तीसरा पॉइंट, अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ, जितना हम गैजेट से दूरी बना लेते हैं, आप देखेंगे कि हम टीवी भी मना ही की गई थी, मना किया गया था कि नहीं होना चाहिए, उसका एक कारण था कि हम एक दूसरे से क्या बात करें, क्योंकि सोने से पहले तो हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ है। लेकिन अगर हम सोने से 1 घंटा पहले ये सारे गैजेट्स ऑफ कर दें तो नींद भी बेहतर होगी, रिश्ते भी बेहतर होंगे। तो इसलिए ये दूसरी चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। थर्ड, ड्राइड प्लांट्स, ड्राइड फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इन्हें अपने रूम में स्थान नहीं देना। एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने बहुत बार बात की है कि कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ये किसी ना किसी को बॉडी पेन्स जो है वो देते हैं, रिश्तों में तनाव जो है वो देते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर में रखने हैं तो फ्रेश फ्लावर्स रखिए ना। वैसे बेडरूम में प्लांट्स भी रखने को मैं हमेशा मना करती हूँ, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ब्रॉड लीव्स वाले, जो बड़े पत्ते वाले प्लांट्स हैं, वो तो बिल्कुल नो हैं कि जो आपको बेडरूम में कभी नहीं रखने चाहिए। फोर्थ जो है वो मंदिर, जो मैंने आपसे बात की कि अगर आप मैरिड कपल हैं तो अपने रूम में भगवान की कोई भी जो है वो मूर्ति, कोई फोटोग्राफ नहीं रखें। सिर्फ एक जो कहीं ना कहीं वास्तु में मेंशन है कि आप, जिनकी अलाउड है कि आप रख सकते हैं, वो राधा कृष्ण है। बिकॉज इस कपल को जो है वो फ्रेम में ही देखा गया है, यूजुअली बाकी आप शिव परिवार जो है वो इकट्ठे देखेंगे, तो ये जो है वो आप फिर भी रखी जा सकती है, बिकॉज दे आर अ सिंबल ऑफ लव। लेकिन उसके अलावा कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल हो और ऑप्शंस और हैं घर में रखने की, तो कहीं पर भी जो मंदिर है वो अपने बेडरूम में आप ना बनाएं। उसके बाद कोई भी वाटर एलिमेंट कहीं पर भी, पानी की बॉटल बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी वाटर एलिमेंट, जैसे कि बहते हुए पानी की कोई पेंटिंग है या आपकी फ़ोटो है जहां बहता हुआ पानी आसपास आत है, ऐसी फ़ोटोज़ भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। लोगों के कमरों में, जब मैंने जिनके घरों में मैंने विजिट किया है, तो मुझे कई बार बहुत अजीब लगता है कि लोगों को फिशेज से इतना प्यार होता है कि वो अपनी फिशेज को, अपने एक्वेरियम्स को अपने कमरे में रखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो वास्तु के
हिसाब से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आपको इनके बारे में पता था या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप में आपके कमरे में इन सब चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी मुझे लिखकर बताइएगा, और किस टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं मैं आपसे बात करूँ वो भी ज़रूर बताइएगा। अब समा हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।